अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मरीहा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी टेस्टी स्पाइसी रेसिपी लाई हूँ, मटन की कलेजी का सालन, जो झटपट से बन भी जाएगा और बहुत मज़े का बनेगा, बहुत ही डिलीशियस सी डिश है। तो ये देखिए जी फ्रेंड्स, देखते ही मुँह में पानी आ जाए, ज़बरदस्ती स्पाइसी हमारी रेसिपी, तो आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चले जी करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिए एक प्याली करीब दही लिए, अब इसमें मैं 2 चम्मच के करीब डाल दूँगी लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, क्योंकि कलेजी में लहसुन अदरक ज़्यादा होगा तो उतनी स्मेल भी ख़त्म होगी और बहुत अच्छे से हमारी कलेजी पक जाएगी। दो चम्मच डालूंगी लाल मिर्च, जो थोड़ा स्पाइसी बनाना है। आधी चम्मच से करीब डालूंगी धनिया पाउडर, थोड़ी सी टेस्ट के लिए डालूंगी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, एक चम्मच जीरा पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा फ्रेंच डालूंगी चिकन पाउडर जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और थोड़ी सी लूंगी अजवाइन, इसे हाथ से क्रश कर लूंगी। अब मैंने क्या करना है फ्रेंड्स, इन सारे मेथड्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की बनेगी, स्पाइसी स्पाइसी, खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसके अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, ये अच्छा सा पेस्ट हमारा बन गया है, रेडी हो गया है। ये देखिए जी, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। फ्रेंड्स, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और पैन चढ़ा दिया है। अब इस पर मैं डालूंगी 1/2 कप के करीब ऑयल, और मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली हैं इस शेप में, वो डाल दूँगी। प्याज का वेट करेंगे लाइट गोल्डन होने का। अच्छा जी फ्रेंड, ये मैंने कुछ गरम मसाला ले लिया है, जिसमें तेज़पत्ते, थोड़ा ज़ीरा, कुछ काली मिर्चें, इलायची और पत्ते वगैरह, तो ये हम डाल देंगे। अच्छा जी फ्रेंड, देखें प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो रही है, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना सालन का टेस्ट बिगड़ सकता है, कड़वास आ सकती है। तो इसी स्टेज पर मैं अपना पेस्ट डाल दूंगी, जो पेस्ट हमने बनाया है दही का, वो ऐड कर देते हैं। अब कुछ सेकंड के लिए ही बस इसे भुनेंगे, क्योंकि हमारा जो दही वाला पेस्ट है ना, वो लगभग
सब मसाले उसमें मिक्स हुए हुए हैं। तो बस 2-3 सेकंड के लिए इसे भूनूंगी, फिर इसमें कलेजी ऐड कर दूंगी। अच्छा जी फ्रेंड्स, 2 सेकंड में हमारा मसाला अच्छे से भुन गया था और ऑयल भी ऊपर आ गया था, मगर मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की क्योंकि मगरिब की अजान हो रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अजान की टाइम पर बात करना या वीडियो बनाना, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर दी थी। तो ये आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कलेजी। ये देखें फ्रेंड, कलेजी मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी और मैंने इस साइज़ में कट कर ली थी और मैं इसे छन्नी पर रख दिया था तो अच्छे से नितर जाए। और कुछ कड़ी पत्ते मेरे पास पड़े हुए थे, वो भी मैंने डाल दिए हैं क्योंकि कड़ी पत्तों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, तो हमारी जो मटन कलेजी है उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ये मिक्स कर दूँगी और साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी डालनी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और अच्छी खुशबू के लिए फ्रेंड्स डालूंगी कसूरी मेथी, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लेंगे और फिर डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने टेस्ट के हिसाब से जो कीजिए, मतलब जो मसाले आप ऐड करना चाहें। आपको कसूरी मेथी का टेस्ट अगर अच्छा ना लगे तो आप स्किप कर दीजिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने सेक कर रखा था वो डाल दूँगी। सेके हुए ज़ीरे का फ्लेवर ही अलग होता है, बहुत मज़ा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो वो ऐड कर दूँगी। और बस अब हमें मिक्स कर लेना है सब मसाले को अच्छे से। और मैंने इसे 10 मिनट तक कवर कर देना है ताकि जो कलेजी है वो अच्छे से गल जाए। तो मैं इसे 10 मिनट के बाद खोलकर इसका रिज़ल्ट देखूंगी फाइनली। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा झटपट से कलेजी का सालन बन गया है। अब मैं करती हूँ फ्लेम ऑफ और दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। तो लीजिए फ्रेंड, हमारी झटपट से मटन कलेजी बनके तैयार है। माशाल्लाह से खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, बहुत कम से मसाले में रेडी होने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें जी फ्रेंड्स, अब मैंने इस पर थोड़ा सा गार्निश करने के लिए अदरक डाल देना है। और हरी मिर्चें 1-2 पीस डाल दूंगी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना, पुदीने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो लीजिए फ्रेंड, झटपट सी हमारी रेडी हो गई है आज की रेसिपी, यानी मटन कढ़ाई सालन। तो आपने देखना है फ्रेंड, ज़रूर मेरी रेसिपी को स्किप नहीं करना, एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। बहुत सी दुआएं मुझे याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।